जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। स्वागत की तैयारी करें। आशीष तिवारी जी आए हुए हैं। देश में मजदूर रहेगा या देश में पूंजीपतियों का राज रहेगा? मैं ये कह सकता हूं, मेन कांग्रेस सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती जलधाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पंडित भी पिए, उनका मजहब क्या होगा? पूछो उन सप्रस्तों से, क्या सूरज नया बनाए? एक हवा में सांस सबकी, क्या सांस नहीं बहाओगे? नस्लों का करे बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, वो पर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इसे ये कामगार यूनियन बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं कि ये जो मैदान है, ऐसे ऐसे कई मैदान छोटे हो जाते हैं। कि भारत जोड़ो यात्रा के कमेटी का मैं मेंबर भी हूं और 8 डिपार्टमेंट। तो सबसे बड़ी कमी हमारे में खुद में है, क्योंकि हम आपस में लड़ने का काम करते हैं। लगातार पूरे भारत का दौरा जारी है। जिस हालात में 2014 में भाजपा सरकार आई थी, कांग्रेस हटी थी और उस समय मजदूर अच्छी स्थिति में आ चुके थे भारत के, आज मजदूरों की जो दुर्दशा है उसी की लड़ाई ये जारी है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और वापस मजदूर सपनों का भारत, गांधी जी के सपनों का, नेहरू जी के सपनों का भारत बनाना हमारा एकमात्र लक्ष्य होते हैं। जो राहुल गांधी जी पूरे देश भर की यात्रा भ्रमण कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा होगा इस संगठन को? राहुल गांधी जी की यात्रा से खाली इस संगठन को नहीं, भारत को, भारत के हम हर आम नागरिक को, हर आम आदमी को फायदा होगा। भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी थी? 110 रुपया लीटर पेट्रोल कर दिया, सरकार के कानों पर जू नहीं रहती। भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी थी? 100 रुपया लीटर डीजल कर दिया, सरकार के भाजपा सरकार के कानों पर जू नहीं रहती। भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी थी? खाने पीने की चीजें 15% से 40% तक महंगी कर दी गई, भाजपा सरकार के कानों पर जू नहीं रहती। भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है? कि हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा इन्होंने दंगा फसाद करवा, मतलब लगातार जो लोगों के दिल दिमाग में हिंदू मुस्लिम का एक भय बैठा करके राज कर रहे हैं, वो भय लोगों के दिमाग से निकालना है, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा है। और उससे खाली इस संगठन को नहीं, भारत के हर आम जन को फायदा होने वाला है। मेरा नाम ओंकारनाथ पांडे उर्फ शैलेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। बर्मा माइंस के डनलप मैदान में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का आज मजदूर महासम्मेलन हुआ था और लगभग 7 जिला से यहां पर लोग आए हुए थे। और हमारे केकेसी के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित राज, वाइस चेयरमैन संजय गाबा जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार बन्ना गुप्ता जी, माननीय बेरमो विधायक अनूप सिंह जी और डॉक्टर अजय कुमार जी, माननीय सांसद पश्चिमी सिंहभूम गीता कोड़ा जी और हमारे कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, कुमार राजा थे जो हमारे पश्चिमी सिंहभूम के प्रभारी है। तो इन लोगों का आने का एक संकेत हो जाता है कि अब ये मजदूरों के लिए सब लोग आंदोलित होना चाहते हैं। और जिस तरह से अपार जनसमूह उमड़ा था, इतने पानी होने के बावजूद लोग यहाँ पर डटे रहे, ये अपने आप में आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। जो जिम्मेवारी हमको केकेसी की तरफ से मिली है, मैं अपने नेशनल चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त करता हूँ कि झारखंड में बहुत अच्छा रिजल्ट आने के समय में मिलेगा और 2024 में कांग्रेस वापस आ रही है। कांग्रेस का यह इंसेंटिव जो आज मजदूर के बीच में जा रहे हैं, और इधर पर देश में पूरा इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगा, मजदूर रहेंगे नहीं, इसके लिए ये मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी,
जिन्होंने केसीसी का निर्माण करके असंगठित को आगे बढ़ाने का, असंगठित मजदूर को आगे बढ़ाने की जो बात रखी है प्लेटफॉर्म पर, निश्चित तौर पर ये काम हमारे संगठन इंटक के द्वारा बहुत वर्षों से हमारे जो अध्यक्ष रेड्डी साहब उनके द्वारा असंगठित के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसको और बड़े पैमाने पर और बेहद पैमाने पर ले आने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि असंगठित हिंदुस्तान की रीढ़ और हिंदुस्तान में से पब्लिक सेक्टर खत्म होगा तो असंगठित निश्चित रूप से इस पर प्रभावित पड़ेंगे, असंगठित खत्म होगा, विलुप्त होगा, और जितना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर खत्म होगा उतने ज़्यादा जो प्राइवेटाइजेशन है और जिस तरीके से मोदी अंबानी अदानी का ये तीन का तिगड़ी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको अगर हम लोग ने शांत नहीं किया तो आने वाले देश समय में मैं समझता हूँ देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और उदित राज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने झारखंड में सम्मेलन का जो स्थान है वो जमशेदपुर चुना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा असंगठित मजदूर है, इनको हम लोग को एक करना और इनकी संख्या बढ़ानी, क्योंकि असंगठित मजदूरों को आज तक जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, चाहे वो लेबर लॉ बोल लीजिए, चाहे वो मनरेगा बोल लीजिए, चाहे वो आप राइट टू फूड बोल लीजिए, राइट टू एजुकेशन बोल लीजिए, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल, आने वाले समय में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान को दोनों को मिलेगा। 1932 का खतियान लागू हुआ है जी, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए 32 का खतियान लागू होने से किसी को नुकसान नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ और बेबाकी से बोल रहा हूँ कि जो 32 में यहाँ पे मूलवासी आदिवासी हैं तो क्या राजपूत उसके बाद नहीं है, क्या भूमिहार नहीं है, क्या मारवाड़ी नहीं है, क्या पंडित नहीं है? वो भी जाती है यहाँ पे, पलामू की तरफ जाइए तो राजपूत मिलेंगे, गढ़वा की तरफ जाइए तो पंडित मिलेंगे, चतरा की तरफ जाइए तो आपको ओबीसी का संख्या है, राजपूत का संख्या है, उसी तरह दुमका में जाइए तो आपको मारवाड़ी मिलेंगे, फिर संथाल के जो मूलवासी आदिवासी मिलेंगे, फिर यहाँ के कोलान के कुछ आदिवासी मूलवासी मिलेंगे। निश्चित तौर पर अभी उसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ, उस लोगों को कुछ ना कुछ खिंचातानी हो रहा होगा, तो होना भी चाहिए, हर सवाल को उठा एक डेमोक्रेटिक लगता है। उसके बाद जैसे जैसे स्वरूप तैयार होगा कि 32 अगर लागू होगा तो उसकी क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, तब लोगों का समझता हूँ बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसको क्लियर हम कर पाएंगे, आंसर उसका देखो। जो कल तक दिल्ली में जो राजनेता बैठते थे वो आज ग्राउंड में आ रहे हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं कि समस्या है कहाँ पर, क्यों कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर जा रही है। हमारे साथ उदित नारायण जी हैं जो नेशनल चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े दीदी गए सरोज पांडे जी हैं। सर उदित सर, तो सबसे बड़ी बात है कि देश किधर जा रहा है, पूरी तरह नवरत्न कंपनी गलत दिशा में गया है, गर्मी चुका है, कांग्रेस को मुद्दा बना है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में पानी में पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हिंदू मुसलमान चक्कर में सभी लोग इंडोनेशिया भारत में भारत मोदी के राज में सबसे ज्यादा अभी तो लोग और जो समिति क्षेत्र में निजी कारण की वजह से जो सरकारी कंपनी कुछ
एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।